नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है, ये वो पाठशाला जो प्रधानमंत्री से लेकर आम पब्लिक तक सब बैठकर देखते हैं। और आज पाठशाला में क्या क्या है, कौन कौन सी क्लास लगाने वाला हूं, पहले आपको यह बता देता हूं। तिहाड़ से बाहर आते ही अरविंद केजरीवाल ने कौन सी बहुत बड़ी गलती कर दी आज, इसके बारे में बात होगी। जमानत के आदेश की वो एक लाइन जिससे केजरीवाल के साथ खेला हो गया है क्या? बीच चुनाव जेल से छूटे केजरीवाल क्या पूरा चुनाव पलट देंगे क्या? आज सबसे पहले इसका चैप्टर होगा। फिर मोदी से लेकर राहुल बीच चुनाव ऐसी गर्मा गर्मी कि सब हैरान है। चौथे चरण के पहले पीएम मोदी का तुरुप का इक्का कैसे बाहर आ गया है? सीएम योगी ने किसकी गर्मी शांत कर देने का ऐलान कर दिया, इसका भी चैप्टर है। 15 सेकंड पर ऐसा भड़के हुए सी कि चुनाव में सीधा तोप ले आए। ऐसा क्या हुआ कि हैदराबाद में ओवैसी को हार दिखने के सबूत आ गया? लोकसभा चुनाव की हर खबर का कंप्लीट चैप्टर भी होगा, लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। महिला पहलवानों से यौन शोषण के मामले में कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने आज बृजभूषण सिंह और उनके सेक्रेटरी विनोद तोमर के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि बृजभूषण के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर 5 महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न, पीछा करने, महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने और आपराधिक धमकी देने के आरोप। कांग्रेस के 6 पूर्व विधायकों ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा से अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका वापस ली। इन विधायकों ने हिमाचल प्रदेश में हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान पार्टी के खिलाफ जाकर क्रॉस वोटिंग की थी, जिसके बाद पार्टी व्हिप न मानने पर 29 जनवरी को विधानसभा अध्यक्ष ने सभी को अयोग्य करार दे दिया था। अयोग्य ठहराए जाने के बाद सभी विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे और उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। कतर से इंडियन नेवी के 8 पूर्व जवानों की स्वदेश वापसी के बाद भारत को एक और बड़ी कूटनीतिक सफलता मिली है। पुर्तगाल के कार्गो शिप पर सवार 5 भारतीयों को ईरान ने छोड़ दिया है। 13 अप्रैल को ईरान ने पुर्तगाल के झंडे वाले शिप MSG एरीज को जब्त कर लिया था, जिसमें 5 भारतीयों समेत 7 क्रू मेंबर सवार थे। इस कार्गो जहाज का इजराइल के साथ संबंध होने के कारण ईरान ने इसे जब्त किया था। छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनते ही नक्सलियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। बीजापुर में आज सुबह 6 बजे से सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया और ये अभी भी चल रहा है। इस ऑपरेशन में DRG, STF, कोबरा और CRPF के करीब 1200 जवान शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक मुठभेड़ में 8 से ज्यादा नक्सलियों के मारे जाने की खबर है, जबकि भारी संख्या में हथियार बरामद हुआ है। अक्षय तृतीया के मौके पर आज से चार धाम यात्रा का शुभारंभ हो गया। आज ही केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट भी खोले गए। केदारनाथ मंदिर को 20 क्विंटल फूलों से सजाया गया और धाम के कपाट खुलते ही हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश भी की गई। महादेव के दर्शन करने के लिए केदारनाथ में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। POK के दादियाल में पाकिस्तानी आर्मी की शेलिंग में कॉलेज के एक छात्र की मौत के बाद जबरदस्त हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़कों पर आगजनी की, गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की और सड़कों पर उतरकर मुजफ्फराबाद चलो के नारे लगाए। इलाके में प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है और मौके से प्रशासन और पुलिस के जवान गायब हैं। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, तिहाड़ से बाहर आते ही केजरीवाल ने कौन सी बहुत बड़ी गलती की है? जमानत के आदेश की वो एक लाइन जिससे केजरीवाल के साथ खेला हो गया। बीच चुनाव जेल से छूटे केजरीवाल क्या पूरा चुनाव पलट देंगे? अब जरा पहले इसका चैप्टर। पचास दिन जेल में बिताने के बाद अरविंद केजरीवाल आज जेल से 23 दिन के लिए बाहर आए, और वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट से उन्हें अंतरिम जमानत मिली है, तो बाहर आने का रास्ता बन पाया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केस खत्म हो गया या कोई बाइज्जत बरी हो गए हैं साहब। अंतरिम जमानत मिली है, वो भी खाली चुनाव प्रचार के लिए। लेकिन माहौल बनाना तो केजरीवाल एंड कंपनी से हमेशा से सीखने लायक रहा। केजरीवाल बड़े धूम धड़ाके से तिहाड़ से बाहर आए, ऐसा लग रहा है जैसे छूट गए। अब शराब घोटाले का जो आरोप था वो कुछ था ही नहीं, और उनके लोगों ने भी पूरा माहौल बना दिया।
केजरीवाल भी तिहाड़ से बाहर आते ही जोश जोश में बड़ी बड़ी बातें कह गए, लेकिन तिहाड़ से बाहर आते ही केजरीवाल ने एक बहुत बड़ी गलती भी कर दी। वो गलती क्या की उन्होंने वो आपको आगे बताऊंगा, और यह भी बताऊंगा कि जमानत के ऑर्डर की वो लाइन कौन सी है जिससे केजरीवाल के साथ खेला हो गया है। लेकिन उससे पहले देखिए कि केजरीवाल ने जेल से छूटते ही बाहर आकर कहा क्या है। देखिए ना, आसपास पूरे लोग जमा हो गए और उसके बाद केजरीवाल ने माइक ले लिया, गाड़ी की छत से बाहर आ गए, सुनिए क्या बोले। सबसे पहले मैं हनुमान जी के चरणों में वंदना करना चाहता हूं। हनुमान जी के आशीर्वाद से, हनुमान जी के आशीर्वाद से आज मैं आप सब लोगों के बीच में हूं। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिनकी वजह से आज मैं आप लोगों के बीच में हूं। मैं तन मन धन से लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं तानाशाही के खिलाफ, लेकिन 140 करोड़ लोगों को तानाशाही से लड़ना पड़ेगा। कल सवेरे 11 बजे कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर में मिलेंगे, कल 1 बजे पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। केजरीवाल कुछ दिन के लिए जेल से बाहर क्या है, केजरीवाल की पार्टी और इंडी गठबंधन ने माहौल पूरा ऐसा बना दिया जैसे केजरीवाल बाहर आ गए तो पता नहीं क्या बाजी पलट दे। कोई कह रहा है कि इंडी गठबंधन में जान आ गई, इसका मतलब मान रहे हो अभी तक जान नहीं थी। कोई कह रहा है कि अब तो चुनाव ही पलट जाएगा, तो मान रहे हो कि अभी तक नहीं पलटा हुआ था। वो जो नैरेटिव बेचा जा रहा था कि मोदी तो गए हो, इसका मतलब वो स्थिति नहीं थी, क्योंकि अभी आप कह रहे हो कि अब केजरीवाल आ गए तो अब पलटेगा, तो इसका मतलब अभी तक तो नहीं पलटा था ना। कोई नरेंद्र मोदी को कोस रहा है, कोई कह रहा है कि तानाशाही का काल केजरीवाल, लेकिन केजरीवाल के नाम पर जो लोग माहौल बना रहे हैं वो शायद ये चाहते हैं कि आप भूल जाएं कि केजरीवाल आज भी वही केजरीवाल हैं जिन्हें शराब घोटाले के मामले में ईडी मास्टरमाइंड और किंग पिन बता चुकी है। निचली अदालत और हाईकोर्ट उनकी गिरफ्तारी को सही बता चुकी है, और सुप्रीम कोर्ट में अभी उनकी गिरफ्तारी सही थी या नहीं इस पर फैसला आया नहीं है। यानी अब भी केजरीवाल का स्टेटस वही है कि शराब घोटाले में उन पर गंभीर आरोप हैं जिसकी वजह से वो 50 दिन जेल में काट कर आए। यानी माहौल बनाने वाले चाहते हैं कि आप ये सारे फैक्ट्स भूल जाएं और सिर्फ उनके नैरेटिव पर विश्वास करें। केजरीवाल के लोग और आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल की रिहाई पर बातें ऐसी ऐसी कर रहे हैं जैसे केजरीवाल को मिली इत्तू सी बेल से कोई बहुत बड़ी क्रांति हो गई है। आम आदमी पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं भाई, सुनिए जरा। कह रहे हैं सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं। ऐसा लग रहा है, मैंने कहा ना, ऐसा लग रहा है जैसे केस ही खत्म हो गया इन पे से। लोकतंत्र बचाने सुप्रीम कोर्ट सामने आया, लोकतंत्र बचाने। अभी वो बताएगा सुप्रीम कोर्ट की भैया गिरफ्तारी सही थी या नहीं और इन पर जो आरोप लगे उनका क्या। तानाशाही के खिलाफ उम्मीद की किरण है केजरीवाल, अब देश केजरीवाल का कमाल देखेगा। यानी एक तरह से फिर यह माहौल बना दिया गया कि राहुल गांधी, ममता बनर्जी, लेफ्ट वगैरह वगैरह सारी पार्टियां सब ठंडा मामला था, अब यहां से चुनाव शुरू हुआ क्योंकि केजरीवाल आ गए। यानी आम आदमी पार्टी ऐसा माहौल बना रही है जैसे केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने मानो निर्दोष करार दिया। आम आदमी पार्टी को सुनिए, फिर बताता हूं कि केजरीवाल को मिली राहत पर क्या चुनाव का माहौल बदलेगा या नहीं बदलेगा। पराजित नहीं, आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला आया, चुनाव के प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की राहत अरविंद केजरीवाल को देना एक बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है। हम सब लोग इसका स्वागत करते हैं और अब पूरे देश में एक सकारात्मक वातावरण बनेगा। जो अन्याय, अत्याचार और तानाशाही है देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की, उसका अंत होगा। अब देश केजरीवाल का कमाल देखेगा। अरविंद केजरीवाल को बेल मिलने की खबर जैसे ही बाहर आई, सीएम हाउस में उनके स्वागत की खास तैयारियां शुरू हो, ऑटो में भर भर कर फूल लाए गए। ये देखिए, ऑटो में भर कर फूल लाए गए, पूरे सीएम हाउस को फूलों से सजाने की तैयारी शुरू कर दी गई। केजरीवाल पर फूलों की बारिश की व्यवस्था भी की गई, ये आएंगे सर तो कैसे फूल बरसाने। ये देखिए, फूल बरसाने वाली मशीन लगाई गई, बकायदा ब्लोअर लगाया गया, जैसे फिल्मों में आप नहीं देखते हैं कि कोई शॉट होता है उसमें मान लीजिए कोई आ रहा है तो उसमें फूल उल बरसते हैं, तो उस तरह से फूल बरसाने के लिए वहां ब्लोअर लगाया गया।
अब फूल उड़ाने की प्रैक्टिस भी हुई कि मान लीजिए उस वक्त आया नहीं चला तब, तो पूरी प्रैक्टिस हुई है कि केजरीवाल आएंगे तो कैसे घन घन फूल बरसाना है उन पर। वहीं सीएम हाउस के बाहर आतिशबाजी भी हुई, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर पटाखे छोड़े। तिहाड़ के बाहर भी जश्न का माहौल देखने को मिला। बेल की खबर मिलते ही सैकड़ों कार्यकर्ता जेल के बाहर पहुंचे और एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई। तिहाड़ से लेकर सीएम हाउस और आम आदमी पार्टी के दफ्तर तक जश्न की तैयारियां दिखी और जब केजरीवाल सीएम आवास पहुंचे तो संजय सिंह ने माला पहनाकर केजरीवाल का स्वागत किया और संजय सिंह तो इतने जोश में थे कि केजरीवाल को गोदी में ही उठा लिया। ऐसा लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल जेल से नहीं बल्कि कोई जंग या चुनाव जीत कर आ रहे हो। आम आदमी पार्टी के नेता भी इसे ऐसे ही प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं को एक बार सुनिए, उसके बाद सुनाऊंगा केजरीवाल की जमानत पर विपक्ष के नेताओं का क्या रिएक्शन आया। ये सत्य की विजय है, ये इस देश के लोकतंत्र की विजय है, ये इस देश के संविधान की विजय है। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में तानाशाही खड़ी करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। जिस प्रकार से विपक्ष पे हमला हो रहा है, जिस तरह से ईडी और सीबीआई का प्रयोग हो रहा है, जिस तरह से चुनाव की घोषणा के बाद एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट सामने आया लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए। और जब जब इस देश में लोकतंत्र और संविधान खतरे में रहा है, सुप्रीम कोर्ट सामने आया है। पूरे देश में इसको लेकर के खुशी की लहर है, दिल्ली के लोगों के दिल में खुशी है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश में तानाशाही का अंधकार युग कायम किया था, लोगों को कोई रोशनी नहीं दिख रही थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने एक रोशनी की किरण दिखाई है, इसलिए पूरी दिल्ली, पूरा देश उनका शुक्रगुजार है। हम उनका धन्यवाद करते हैं और हमें इस बात का भरोसा है कि देश में जो इस तानाशाही के खिलाफ लड़ाई चल रही है, संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई चल रही है, अरविंद केजरीवाल जी के बाहर आने से ये लड़ाई और मजबूत होगी। उधर इंडी गठबंधन वाले तो अलग ही लेवल पर है। केजरीवाल को बेल मिलने पर वो इतने जोश में हैं जैसे लग रहा है कि केजरीवाल के प्रचार से ही इंडी गठबंधन की सरकार बन जाएगी। शरद पवार ने लिखा कि वो केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के फैसले का स्वागत करते हैं, इंडिया लोकतंत्र की रक्षा के लिए तत्पर रहेगा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने लिखा कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने से वो बहुत खुश हैं, चुनाव के मद्देनजर इससे काफी मदद मिलेगी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से सोशल मीडिया पर लिखा गया कि तानाशाही ताकतों को यह दिखाना है कि देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के अनुसार चलेगा। आज अंतरिम बेल मिलने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को बधाई और जोहार। उनकी संघर्ष की साथी सुनीता जी और परिवार के अन्य सदस्यों को भी हार्दिक बधाइयां। मैंने पहले ही कहा था कि तानाशाही ताकतों का किला ध्वस्त होना शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लिखा कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की जमानत सत्य की एक और जीत है। इंडी गठबंधन की शक्ति और एकजुटता बीजेपी के दुख दर्द देने वाले राज से भारत की जनता को मुक्ति दिलवाने जा रही। यानी सबने मिलकर माहौल वही बनाया हुआ है कि अब जो है वो खेला हो गया। केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने पर वो कांग्रेस भी खुशी से उछल रही है जो पंजाब में आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है, वो कांग्रेस भी खुश है। सुनिए कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं, फिर बताता हूं कि केजरीवाल की जमानत पर राघव चड्ढा क्या कह रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो राहत आज श्री अरविंद केजरीवाल को मिली, हम उसका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि 4 जून के पश्चात प्रधानमंत्री मोदी, जो कि तब तक भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे, उन्हें समय मिलेगा कि वो साबरमती आश्रम में बैठकर और थोड़ी आत्मचिंतन करें किस तरह की राजनीति वो करते हैं। हम साथ में यह भी उम्मीद करते हैं कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को भी शीघ्र अतिशीघ्र न्याय मिले। ये सारे लोग बयान तो ऐसे दे रहे हैं जैसे कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिख दिया हो कि अरविंद केजरीवाल को चुनाव को देखते हुए ही अरेस्ट किया गया। ऐसा कुछ नहीं लिखा है और जो ऑर्डर में लिखा है अभी सुनाऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि क्या क्या खेला हुआ है इनके साथ। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही राघव चड्ढा की गैर मौजूदगी को लेकर लगातार सवाल उठ रहा है। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के सांसद हैं और केजरीवाल के भरोसेमंद भी माने जाते हैं, लेकिन केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से आम आदमी पार्टी के विरोध प्रदर्शन से राघव चड्ढा गायब थे। बताया गया कि राघव चड्ढा अपनी आंखों के इलाज के लिए लंदन गए हैं। अब केजरीवाल को जमानत मिली तो राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हर देशवासी की आंखें खुशी से नम हैं, उनके भाई उनके बेटे अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आने वाले हैं, लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का दिल की गहराइयों से आभार। यानी एक और ट्वीट राघव चड्ढा का आया, भले वो आए हों या ना आए। इसके अलावा उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने लिखा कि तानाशाही सरकार के खिलाफ केजरीवाल को इंसाफ मिलना बड़ी राहत की बात है,
हवा बदल रही है, केजरीवाल सच बोलते हैं और यही बीजेपी को पसंद नहीं है। हम मिलकर भारत के संविधान और लोकतंत्र को बचाएं। यानी केजरीवाल के नाम पर पूरा इंडी गठबंधन झूम रहा है, लेकिन इस खुशी में कोई यह ना भूले कि केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने मात्र 23 दिन के लिए छोड़ा है और इन 23 दिनों में टर्म एंड कंडीशंस भी लगाई गई हैं। अब जरा सुनिए कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं, जैसे नहीं होता है वो आप देखते हैं कि टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, तो ये टर्म्स एंड कंडीशन इनके बेल पर भी है। सुनिए कोर्ट ने क्या बोलकर जमानत दी, अंतरिम जमानत। कोर्ट ने कहा है कि उनके सीएम दफ्तर जाने पर रोक रहेगी, यानी अरविंद केजरीवाल जो है वो मुख्यमंत्री के दफ्तर नहीं जा सकते। दिल्ली सचिवालय जाने पर रोक रहेगी, यानी वो सचिवालय जाकर काम भी नहीं कर सकते। कोर्ट ने यह भी कहा कि वो किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे, लेकिन अगर उनके साइन किए बिना किसी फाइल के एलजी के पास जाने में रुकावट आएगी तब वो साइन कर सकते हैं उन कुछ चुनिंदा फाइल्स पर। कोर्ट ने यह भी शर्त रखी है कि वो केस में अपने रोल पर कोई बात नहीं करेंगे और अरविंद केजरीवाल केस के किसी गवाह से भी बात नहीं करेंगे। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि वो केस से जुड़ी हुई कोई फाइल भी नहीं देखेंगे। यानी इतनी शर्तें रखी गई हैं कोर्ट की तरफ से। 23 दिनों के बाद यानी 2 जून को अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना होगा और वो फिर से तिहाड़ पहुंच जाएंगे। यानी ऐसा नहीं है कि वो छूट गए, उनको वापस उसी तिहाड़ जेल में रिपोर्ट करना है। कोर्ट ने अपने फैसले में जो सबसे अहम बात लिखी है, अब जरा उसको सुनिए। इस कोर्ट ने लिखा है कि इस अंतरिम जमानत को, बहुत ध्यान से सुनिए, इस अंतरिम जमानत को केस के मेरिट और क्रिमिनल अपील से जोड़कर नहीं देखा जाएगा। यानी जो लोग ये माहौल बना रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिल गया, न्याय मिल गया, भैया ये अंतरिम जमानत चुनाव प्रचार के लिए मिली है। इसका मतलब नहीं कि कोर्ट ने कह दिया केजरीवाल जो है वो पाक साफ है। कोर्ट ने कहा कि इसको केस के मेरिट से जोड़कर नहीं देखा जाएगा। यानी अंतरिम जमानत मिलने से यह नहीं कहा जा सकता कि मामले में दम है या नहीं, केजरीवाल को गलत फंसाया गया या उनकी गिरफ्तारी गलत। कोर्ट ने साफ साफ लिख दिया, क्योंकि शायद उनको भी पता होगा बाहर यही सब होगा कि भैया हो गया, अब तो केजरीवाल आ गए, तो कोर्ट ने लिख दिया कि भैया इसका केस के मेरिट से कोई लेना देना नहीं। इसके अलावा केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा है वो भी आपको बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी ने सही कहा कि 9 समन भेजे जाने के बाद भी केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए, जिसमें से पहला समन अक्टूबर 2023 में जारी हुआ था। समन पर पेश ना होना एक नेगेटिव फैक्टर है, इसमें कोई शक नहीं कि केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगे हुए हैं, यह सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। लेकिन आ गया मैं सब लपेट दिया, अब यह सब कोई बताएगा ही नहीं। कोर्ट ने कहा कि इस समय बहस पूरी करना और फैसला सुनाना संभव नहीं है। देश में इस समय लोकसभा चुनाव चल रहा है और याचिकाकर्ता को निचली अदालत से जमानत लेने के लिए कहना सही नहीं होगा। केजरीवाल जेल से बाहर आकर प्रचार करेंगे तो इंडी गठबंधन की 2 खाली कुर्सियों में एक कुर्सी भर भी जाएगी। अब तक इंडी गठबंधन जहां जहां ज्वाइंट रैली करता था वहां 2 खाली कुर्सी रख देता था, अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन की। अब इस पर केजरीवाल बैठ जाएंगे, हेमंत सोरेन भी लगता है जल्दी बैठ जाएंगे। क्यों कह रहा हूं आगे बताऊंगा। इन खाली कुर्सियों को दिखाकर केजरीवाल की पत्नी और हेमंत सोरेन की पत्नी दोनों रैलियों में जाती थी। केजरीवाल की तरह हेमंत सोरेन को भी ईडी ने अरेस्ट किया हुआ है। केजरीवाल तो फिलहाल के लिए छूट गए, लेकिन हेमंत सोरेन अभी भी जेल में है और अब केजरीवाल के छूटने के बाद उन्हें भी उम्मीद होगी कि केजरीवाल की तरह उन्हें भी राहत मिल जाएगी। वो भी कहेंगे कि मैं भी नेता हूं, मुझे भी प्रचार करना है। आज केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद सवाल हेमंत सोरेन के मामले में भी उठा कि क्या हेमंत सोरेन को केजरीवाल की तरह चुनाव प्रचार के लिए कुछ दिन की बेल मिल सकती है। हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी कि हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका पर सुनवाई करने के 55 दिन बाद भी फैसला नहीं सुनाया और हेमंत सोरेन को लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करने के लिए राहत मिलनी चाहिए। इस पर 29 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया था और उसके बाद 3 मई को हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया और गिरफ्तारी को वैध बता दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट अपना फैसला सुना चुका है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन की अर्जी अब अर्थहीन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में हाईकोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करने वाली नई याचिका लगानी होगी। इस पर हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से गुहार लगाई कि इस अर्जी को अर्थहीन न मानकर इसी पर सुनवाई कर ली जाए, क्योंकि नई अर्जी पर ईडी जवाब देने के लिए और टाइम मांगेगी जिससे राहत मिलने में और देरी हो सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नई अर्जी में सारी दलीलों पर विचार किया जाएगा। इस केस की सुनवाई अब सोमवार यानी 13 मई को होगी और जब 13 मई को सुनवाई होगी तो हेमंत सोरेन को भी उम्मीद होगी कि जैसे केजरीवाल को प्रचार के लिए 23 दिन की छूट मिल गई है, वैसे उन्हें भी प्रचार के लिए छूट मिल जाएगी। और वो भी कहेंगे मैं भी नेता, मेरी भी पार्टी, मैं भी चुनाव लड़ रहा हूं, मतलब मेरी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, तो केजरीवाल प्रचार करेंगे, मैं नहीं करूंगा। झारखंड में 4 चरण में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और वहां पहले चरण की वोटिंग 13 मई को
13 मई से शुरू हो रही। केजरीवाल की तरह हेमंत सोरेन भी राहत चाहते हैं और इसी बात से कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस तरह से तो चुनाव प्रचार के नाम पर हर नेता बाहर आने की डिमांड करने लगेगा। कई लोग ऐसे हैं जो केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर अपनी अलग राय रख रहे हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के एक वकील हैं जय अनंत देहदराई, जिनका नाम आपने वो महुआ मोइत्रा वाले केस में सुना था। उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के प्रति पूरा सम्मान है, लेकिन केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने के सुप्रीम कोर्ट के तर्क से वो पूरी तरह असहमत है, क्योंकि चुनाव प्रचार के लिए 1 जून तक जमानत दी गई है और ये एक खतरनाक मिसाल कायम करेगा। वो कह रहे हैं कि अब कोई भी विचाराधीन कैदी चुनाव के लिए अंतरिम जमानत का दावा करेगा और केजरीवाल के मामले का हवाला देकर समानता का दावा करेगा। अभी तक खुद के या किसी अपने के स्वास्थ्य या परिवार में शादी के अलावा अंतरिम जमानत देने का कोई वैध कारण नहीं रहा है, लेकिन इस गंभीर मामले में अलग राय रखी गई, जबकि आरोपी व्यक्ति प्रभावशाली है, सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने और गवाहों को डराने में सक्षम है। यानी वो ये चिंता जता रहे हैं और ऐसी चिंता सोशल मीडिया पर कई लोग जता रहे हैं कि अब कल को कोई भी जो विचाराधीन कैदी है, अंडर ट्रायल है, मान लीजिए वो भी कहे कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद कहे कि हमको भी जमानत दीजिए, हमको भी प्रचार करना अपना जैसे केजरीवाल को मिला है, फिर क्या होगा? ये सवाल पूछ रहे हैं लोग। ऐसी ही बातें कुछ और लोग भी कर रहे हैं, जैसे बीजेपी मुंबई प्रदेश के उपाध्यक्ष हितेश जैन ने सोशल मीडिया पर लिखा कि केजरीवाल को लीगल मेरिट पर नहीं कैंपेन के लिए अंतरिम जमानत मिली है। केजरीवाल को गंभीर आरोपों के बीच छोड़ा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर में न सिर्फ गलती हुई बल्कि कई मामलों में यह चौंकाने वाला है, क्योंकि इतिहास में पहले कभी भी किसी को कैंपेन करने के लिए कोर्ट से अंतरिम जमानत नहीं मिली। चौंकाने वाली बात यह है कि केजरीवाल खुद 2024 का चुनाव तक नहीं लड़ रहे। इसी तरह से बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक ने लिखा कि यह सुप्रीम कोर्ट है जो पिछले 6 सालों से शराबबंदी के मामले में सुनवाई का समय नहीं निकाल पाता, जिसमें 7 लाख गरीब आम आदमियों पर मुकदमा चल रहा है, 1 लाख लोग जेल जा चुके हैं, लेकिन केजरीवाल की जमानत के लिए विशेष सुनवाई हुई। यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर अलग अलग राय लोग जाहिर कर रहे हैं, लेकिन चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मिलने का फैसला बहुत लोगों को के गले से नीचे नहीं उतर रहा। चुनाव प्रचार के नाम पर नेताओं को छूट मिलने को लेकर कल ईडी भी ऐसी ही बात अपने हलफनामे में कह चुकी है कि भाई अब तक किसी भी राजनेता को प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी गई। अगर कोई नेता कस्टडी में है, चुनाव लड़ रहा है, तो उसे भी अपने प्रचार के लिए जमानत आज तक नहीं मिली। जो चुनाव लड़ रहा है उसको जमानत नहीं मिली, ये तो चुनाव लड़ भी नहीं रहे भाई। लोकसभा का पिछले 5 साल में लगभग 123 चुनाव हुए हैं और अगर प्रचार के लिए जमानत दी जाने लगी तो किसी भी नेता को अरेस्ट ही नहीं किया जा सकता, ये ईडी ने कहा था, और ना ही न्यायिक हिरासत में रखा जा सकता है, क्योंकि चुनाव तो पूरे साल चलते रहते हैं। ईडी ने यह भी कहा था कि एक नेता किसी सामान्य नागरिक को मिलने वाले अधिकारों से अलग स्पेशल स्टेटस का दावा नहीं कर सकता और सामान्य नागरिक की ही तरह अपराध करने पर गिरफ्तार या हिरासत में लिया जा सकता है। ईडी ने हलफनामे में कहा था कि केजरीवाल को कैंपेन के लिए छूट देने का मतलब यही होगा कि कानून की नजर में आम आदमी और नेता का अंतर दिखेगा, इसलिए केजरीवाल को कैंपेन करने के आधार पर राहत नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन इन दलीलों को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना और केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दे दी। चुनाव प्रचार के आधार पर बेल लेने को लेकर बहुत बहस हो रही है और आज सुप्रीम कोर्ट में इसी बात पर कट्टरपंथी अमृतपाल का भी जिक्र हो गया। वो अमृतपाल याद है ना आपको, वो खालिस्तानी वाला। आज केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर सुनवाई के दौरान ईडी ने यह भी कहा कि जेल में बंद अमृतपाल ने भी चुनाव लड़ने के लिए जमानत मांगी। केजरीवाल को जमानत मिलने से एक गलत मिसाल कायम होगी। हालांकि ईडी की इस दलील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अमृतपाल ने पंजाब के खंडूर साहिब से चुनाव लड़ने के पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से जमानत मांगी थी। अमृतपाल ने नामांकन दाखिल करने के लिए 7 दिनों की जमानत देने की याचिका लगाई थी। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अमृतपाल की याचिका को खारिज कर दिया था। अब वो भी सुप्रीम कोर्ट जाएगा कि मुझे चुनाव लड़ना है, मेरा भी ये अधिकार है, मुझे भी प्रचार करने, चुनाव लड़ने के लिए इजाजत दीजिए। लोग पूछ रहे अब क्या होगा भाई, अमृतपाल भी बाहर आएगा। अब भले ही केजरीवाल बाहर आ गए लेकिन लोग इस पर डिबेट कर रहे हैं कि केजरीवाल को चुनाव प्रचार के नाम पर अंतरिम जमानत मिलनी चाहिए थी या नहीं। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि केजरीवाल को छूट केस के मेरिट पर नहीं मिली। बीजेपी यही बात कह रही है कि अंतरिम राहत मिलने से केजरीवाल अपराध मुक्त नहीं हो गए, वो कुछ दिन के लिए प्रचार करने आ भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा। 2014 और 2019 में भी तो केजरीवाल ने प्रचार किया था लेकिन उससे विपक्ष को कुछ हासिल तो नहीं हुआ। दिल्ली बीजेपी के नेताओं को सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं। अंतरिम जमानत मिली है चुनाव प्रचार करने के लिए,
और वो भी 1 जून तक। 2 जून को क्या, उसके बाद क्या? कई बार अपराधियों को पैरोल पे छोड़ा जाता है। बेल या जमानत मिलने का मतलब ये नहीं है कि आप अपराध मुक्त हो गए। शराब घोटाले में आप दोषी हैं, करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है और आप उसके सूत्रधार हैं, केस तो भी चल रहा है। मैं सिर्फ याद दिलाता हूँ, 2014 में भी अरविंद केजरीवाल प्रचार कर रहे थे, चुनाव लड़ भी रहे थे, 2019 में भी चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो 2024 में भी करेंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। उधर केजरीवाल की जमानत पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा अलग ही अंदाज में बोल रहे हैं। हिमंता ने कहा कि ये कैसी जमानत है जिसमें अभी बाहर आओ फिर अंदर जाओ। हिमंता ने कहा कि इस तरह की जमानत तो कोई सम्मानजनक व्यक्ति लेता भी नहीं। सुनिए उन्हें। क्या बेल मिला? बोले आप चोर है लेकिन आप 1 महीना का कैंपेन करो, वो बेल बोलता है क्या? कोई रेस्पेक्टफुल लोगों बेल लेगा ही नहीं, बोलेगा आई पोलाइटली डिक्लाइन। और क्या बेल है कि आप जाओ 1 तारीख फिर वापस आ जाओ? लेकिन जेल से बाहर निकलते ही केजरीवाल ने जो बड़ी गलती कर दी, अब उसके बारे में आपको बताता हूं। तिहाड़ से जब केजरीवाल बाहर आ रहे थे तो उनसे कुछ रिपोर्टर्स ने उनका रिएक्शन लिया। सवाल किया गया कि ईडी के लिए क्या कहेंगे, तो केजरीवाल ने कहा कि जनता न्याय करेगी, जनता तानाशाही का अंत करेगी। केजरीवाल ने जनता न्याय करेगी वाली जो बात कही वो एक तरह से शराब घोटाले के कानूनी केस और कानूनी लड़ाई को राजनीतिक लड़ाई में बदलने की बात। लेकिन यहीं पर केजरीवाल से गलती हुई, क्योंकि कानूनी लड़ाई अपनी जगह है और राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह। अब अगर केजरीवाल लोकसभा चुनाव में सीटें नहीं जीत पाए तो क्या इसे उनके केस पर जनता का फैसला मान लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने के आसार भी हैं। भाई ट्रैक रिकॉर्ड है ना कि दिल्ली में तो ये जीतते नहीं है। मान लीजिए फिर 0 सीट आई तो ये मान लेना चाहिए कि पब्लिक ने फैसला कर दिया कि केजरीवाल पर उनकी राय क्या है। राजनीतिक लड़ाई में केजरीवाल लोकसभा चुनाव में दिल्ली में बीजेपी को अब तक हरा नहीं पाए। दिल्ली में पिछले 2 लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी जीती ही और सभी 7 की 7 सीटें जीत गई। इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन भी कर लिया है, लेकिन इस गठबंधन के बावजूद बीजेपी को एज है। अब मुद्दा यह है कि जमानत के 23 दिनों में अरविंद केजरीवाल कहां और कितना प्रचार कर पाएंगे, क्योंकि केजरीवाल के जेल जाने के बाद आम आदमी पार्टी का कैंपेन सिर्फ एक ही मुद्दे पर चल रहा था कि केजरीवाल को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया, केजरीवाल को परेशान किया जा रहा है। जेल का जवाब वोट से कैंपेन भी आम आदमी पार्टी ने चलाया। दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी और इंडी गठबंधन का कैंपेन पूरी तरह से डिरेल हो गया। अब केजरीवाल के बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी के चुनावी प्रचार को बूस्ट मिल सकता है, यह कहा जा रहा है। लेकिन सवाल है कि भाई केजरीवाल कहां कहां प्रचार कर पाएंगे, यह भी तो एक बड़ा सवाल है ना। क्योंकि अगर आप देखेंगे अभी दिल्ली की 4 सीटों पर उनकी पार्टी लड़ रही है, हरियाणा की 1, गुजरात की 2 और असम की 2। और दिल्ली में मतदान 25 मई को है, हरियाणा में 25 मई को है, पंजाब में 1 जून को है और गुजरात में 7 मई को मतदान पूरा हो गया, असम में 2 सीटों पर मतदान हो चुका है। यानी केजरीवाल के पास 18 सीटों पर प्रचार करने के लिए मात्र 23 दिन, और आज का दिन तो निकल ही गया तो 22 दिन मान के चलिए। केजरीवाल को जमानत मिलने से आम आदमी पार्टी ऐसा माहौल बना रही है जैसे केजरीवाल के पास दिल्ली की 7 सीटें जीतने की चाबी आ गई। सच्चाई क्या है मैं दिखाता हूं। पश्चिमी दिल्ली से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार महाबल मिश्रा प्रचार करने के लिए एक पार्क में गए थे। महाबल मिश्रा बीजेपी पर आरोप लगा रहे थे, लेकिन जनता ने महाबल मिश्रा से ही तीखे सवाल पूछ लिए। जनता ने केजरीवाल पर और आम आदमी पार्टी पर भी आरोप लगाए। ये वीडियो बीजेपी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया था, इसको सुनिए, आपको पता चल जाएगा कि केजरीवाल जी की कितनी हवा चल रही है दिल्ली। चलिए आगे दिखाएंगे, इसमें पब्लिक जो है वो महाबल मिश्रा से ही सवाल पूछ रही है। खैर, लेकिन केजरीवाल के बाहर आने के बाद पंजाब में कांग्रेस की टेंशन बढ़ना तय है। पंजाब में आम आदमी पार्टी सभी 13 सीटों पर लड़ रही है, कांग्रेस भी पंजाब की सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। यानी दिल्ली की दोस्ती पंजाब आते आते राजनीतिक दुश्मनी में बदल। कांग्रेस के कई नेताओं में इस बात को लेकर नाराजगी भी है कि दिल्ली में क्यों आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन। 2019 में कांग्रेस ने पंजाब की 13 में से 8 सीटें जीती थी, जबकि आम आदमी पार्टी को सिर्फ 1 सीट मिली थी। पंजाब में फिलहाल आम आदमी पार्टी की सरकार है और केजरीवाल के प्रचार करने से आम आदमी पार्टी के चांसेस बढ़ सकते हैं। ऐसा होने पर कांग्रेस के लिए पंजाब में बहुत अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद कम हो जाएगी। यानी पंजाब में केजरीवाल का प्रचार करना कांग्रेस को भारी पड़ सकता है। पंजाब में बीजेपी वैसे भी बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है, तो केजरीवाल अगर नुकसान करेंगे तो कांग्रेस का करेंगे, बीजेपी का नहीं करेंगे। तो जो लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल आ गए माहौल बदल देंगे, दिल्ली में माहौल बदलता दिखता नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, और पंजाब में बदलेंगे
तो उसी कांग्रेस पार्टी का माहौल खराब करेंगे जो उनके साथ गठबंधन में और जो उनके लिए बाइट दे रही है, अब बताइए। लेकिन केजरीवाल जो करेंगे सो करेंगे। पाठशाला में अब अगली क्लास, मोदी से लेकर राहुल बीच चुनाव ऐसी गर्मा गर्मी कि सब हैरान है। चौथे चरण के पहले पीएम मोदी का तुरुप का इक्का कैसे बाहर आया, सीएम योगी ने किसकी गर्मी शांत कर देने का ऐलान कर दिया मंच से, अब इसका चैप्टर। चुनाव के तीन चरण ही हुए हैं लेकिन चौथा चरण आते आते चुनावी गर्मी इतनी बढ़ गई है कि नेताओं के एक के बाद एक भयंकर बयान आ रहे हैं। बीच चुनाव में इतनी गर्मा गर्मी हो गई है कि सब हैरान है। एक से बढ़कर एक बयान आ रहे हैं, जैसे कब्र में गाड़ दिया, मां का दूध पिया है, नानी भी आ जाए तो अकबर और औरंगजेब की औलाद, गुंडों की गर्मी, ऐसे सारे शब्दों का इस्तेमाल सब तरफ से हो रहा है। इंडी गठबंधन के ऐसे ही एक बयान का जिक्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र की एक रैली में। पीएम ने कहा कि एक तरफ कांग्रेस है जो कहती है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी और दूसरी तरफ नकली शिवसेना मुझे जिंदा गाड़ने की बात करती है। सुनिए पीएम को, फिर बताऊंगा कि पीएम ने बात कही क्यों। एक तरफ कांग्रेस है जो कहती है मोदी तेरी कब्र खुद देगी और दूसरी तरफ ये नकली शिवसेना है जो मुझे जिंदा गाड़ने की बात करती है और मुझे गाली देते हुए भी ये लोग तुष्टीकरण का पूरा ध्यान रखते हैं। मोदी की कब्र खुदेगी, मोदी को जिंदा गाड़ देंगे और इसमें भी अपने वोट बैंक को पसंद आए वही गाली दागोगे क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात इसलिए की क्योंकि कुछ दिन पहले उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा था कि औरंगजेब का जन्म नरेंद्र मोदी के गांव में हुआ है, इसलिए हमसे औरंगजेब की तरह बर्ताव करते हैं। संजय राउत ने यह भी कहा था कि औरंगजेब ने महाराष्ट्र को जीतने के लिए 27 साल तक लड़ाई लड़ी और आखिरकार उस औरंगजेब को महाराष्ट्र में दफन कर उसकी कब्र खोद दी, तो नरेंद्र मोदी कौन है? उद्धव ठाकरे की शिवसेना और उनके इंडी गठबंधन के लोगों के इस तरह के बयान का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र जाकर ही दिया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इंडी गठबंधन जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है उसमें कई लोग इंडी गठबंधन की हताशा भी देख रहे हैं क्योंकि बीजेपी का दावा तो यह है कि तीन चरण में उसने 190 से ज्यादा सीटें जीत ली हैं और अब चौथे चरण में चुनाव बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बीजेपी 400 पार का टारगेट लेकर चल रही है लेकिन इंडी गठबंधन अभी इसी फेक नैरेटिव को बनाने में अटका है कि मोदी आए तो संविधान खत्म कर देंगे। लेकिन आज पीएम मोदी ने इस पर भी इंडी गठबंधन को बड़ा चैलेंज दिया। सुनिए पीएम मोदी ने क्या चैलेंज दिया, फिर बताता हूं कि अमित शाह ने राहुल गांधी को किस बात का चैलेंज दिया। मैं बड़े जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं और दायित्व के साथ कहना चाहता हूं, वंचित का जो अधिकार है, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, वंचित का जो अधिकार है मोदी उसका चौकीदार है। मोदी की चौकीदार में जब मोदी जैसा चौकीदार हो, इसने अपनी मां का दूध पिया है जो आपका हक छीन सकता है। इंडी गठबंधन सिर्फ आरक्षण खत्म करने को लेकर ही फेक नैरेटिव नहीं फैला रहा, सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भी मुसलमानों को डराया, भड़काया जा रहा है। इंडी गठबंधन के नेता कहते फिर रहे हैं कि सत्ता में आए तो सीएए को खत्म कर देंगे। ऐसे नेताओं पर गृहमंत्री अमित शाह ने बड़ा हमला बोला। अमित शाह ने राहुल गांधी को चुनौती देते हुए कहा कि सीएए को वो तो क्या उनकी नानी भी आ जाए तो नहीं हटा सकते। सुनिए एक बार। भाइयों बहनों मुझे जोर से बताओ, ये हमारे हिंदू सिख बौद्ध भाई आए हैं, इनको नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? अरे जोर से बोलो, मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? राहुल बाबा कहता है, अखिलेश कहते हैं कि हम सीए को हटा देंगे। अरे राहुल बाबा आप तो क्या, आपकी नानी भी ऊपर से वापिस आ जाए, इस सीए को नहीं हटा सकते।
उधर यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ के बयानों से भयंकर चुनावी गर्मा गर्मी हो गई। सीएम योगी ने उन गुंडों को वार्निंग दे दी जिन गुंडों की गर्मी चुनाव के टाइम चढ़ने लगती है। सीएम योगी को सुनिए उन्होंने क्या कहा है उन गुंडों को लेकर। फिर आपको सीएम योगी का वो बयान भी दिखाऊंगा जिसे देखने के बाद देश के नायकों का अपमान करने वालों की सारी गर्मी निकल जाएगी। कभी कभी मुझे लगता है कि कानून का राज स्थापित करने के बाद भी जब चुनाव आते हैं तो इन गुंडों की गर्मी चढ़ने लगती है। ऐसे लगता है जैसे चुनाव आते ही इनको लगने लगता है कि जैसे अब ये लोग फिर से जनता पे अपना कहर डालने लग जाएंगे। लेकिन इनकी गफलत है ये। भारतीय जनता पार्टी जनता जनार्दन के आशीर्वाद से उनकी सेवा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार कार्य कर रही है और चुनाव परिणाम आएंगे गुंडों की गर्मी भी धीरे धीरे करके अपने आप शांत होती जाएगी। योगी जी तो खुलकर बोलते हैं, उन्होंने कहा गुंडों की गर्मी शांत हो जाएगी भैया जैसे जैसे नतीजे आएंगे। योगी आदित्यनाथ इस बात पर भी बहुत गुस्से में हैं कि कुछ लोग देश के नायकों का अपमान करने में जुटे हैं। कुछ दिन पहले मैनपुरी में बड़ा बवाल हुआ। क्या हुआ कि वहां पर समाजवादी पार्टी के समर्थकों पर आरोप लगा कि वो महाराणा प्रताप के स्टैचू पर चढ़कर पार्टी का झंडा लगा रहे थे। इसी पर योगी ने कह दिया कि भैया इस तरह की हरकत बर्दाश्त नहीं होगी। सुनिए सीएम योगी को, फिर बताता हूं कि आज अखिलेश के लिए वोट मांगने पहुंचे राहुल गांधी ने क्या बड़ा दावा किया। समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी में राष्ट्रनायक महाराणा प्रताप की प्रतिमा को पवित्र करने का प्रयास किया। समाजवादी पार्टी के गुंडे मूर्ति के ऊपर चढ़ते हैं, मूर्ति में महाराणा प्रताप के आन मान शान के प्रतीक भाला को तोड़ने का प्रयास करते हैं, मूर्ति को पवित्र करते हैं, गाली गलौज करते हैं। इस अकबर और औरंगजेब की औलादों को बताया जाना चाहिए ये नया भारत है। इस नए भारत में राष्ट्रनायकों का अपमान भारत स्वीकार नहीं करता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो यूपी में बीजेपी के क्लीन स्वीप के टारगेट पर लगे हुए हैं। यूपी में बड़े से बड़ा एक्सपर्ट भी यही मान रहा है कि मोदी योगी की जोड़ी के सामने विपक्ष कहीं टिकता नहीं दिखेगा। लेकिन राहुल गांधी अलग ही दुनिया में। आज राहुल गांधी कन्नौज में अखिलेश यादव के समर्थन में रैली करने पहुंचे थे और वहां पर ये कहने लगे कि वो लिख कर दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इस बार पीएम नहीं बनेंगे। राहुल गांधी ने तो यूपी में उस इंडी गठबंधन का तूफान भी बता दिया जिस इंडी गठबंधन के लिए सबसे बड़ी चुनौती ही उत्तर प्रदेश है। राहुल गांधी को सुनिए उन्होंने कहा क्या है, फिर बताता हूं कि चुनाव में उस नेता की भी एंट्री हो गई। नरेंद्र मोदी का तुरुप का इक्का भी आ गया है, वो नेता आ गया जिसका सब इंतजार कर रहे थे। लेकिन पहले एक बार राहुल गांधी को सुनिए। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है, आप लिख के ले लो। यहां पे बीजेपी की सबसे बड़ी, देश में सबसे बड़ी हार उत्तर प्रदेश में होने जा रही है, लिख के ले लो। क्यों? क्योंकि देश को उत्तर प्रदेश रास्ता दिखाता है और उत्तर प्रदेश ने मन बना लिया है कि उत्तर प्रदेश में बदलाव होना है और हिंदुस्तान में बदलाव होना है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में 399 सीट पर लड़ने वाली पार्टी के नेता, जिनकी पार्टी ने एक या दो सीट जीती थी, 399 पे लड़के एक या दो सीट जीतने वाले पार्टी के नेता लिख कर दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी यूपी में आ रहे हैं। राहुल गांधी से पिछली बार अपना गढ़ अमेठी तक नहीं बचा था भाई, इस बार तो वो अमेठी से लड़ने की हिम्मत नहीं दिखा पाए भाई। अगर इतनी लड़ती तो लड़ते अमेठी से, रायबरेली की सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बारे में भी बीजेपी का दावा है कि वो रायबरेली भी हारेंगे, लेकिन राहुल गांधी को यूपी में इंडी गठबंधन का तूफान पता नहीं कैसे दिखा रहा है। ये तो वही जान, इंडी गठबंधन का असली तूफान तो पहले ही सैम पित्रोदा जैसे लोग ला चुके हैं जो विरासत टैक्स और भारतीयों को लेकर रंगभेदी टिप्पणी कर चुके हैं। कांग्रेस को बैकफुट पर लाने वाले सैम पित्रोदा के बयानों पर अभी बवाल थमा नहीं था कि इस चुनाव में उस नेता की एंट्री हो गई जिसका बहुत लोग इंतजार कर रहे थे, मणिशंकर अय्यर।
कांग्रेस के नेता जो बीजेपी के लिए वोट बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं, वो जितनी बार नरेंद्र मोदी को कोसते हैं, नरेंद्र मोदी को भर भर के फायदा होता है, नरेंद्र मोदी के तुरुप का इक्का जैसा है वो मणिशंकर अय्यर कहां गायब है लोग पूछ रहे थे, अब उनकी भी एंट्री हो गई। ये नेता मणिशंकर अय्यर जिनको सब जानते हैं क्योंकि वो बार बार कांग्रेस का ही विकेट गिराते हैं, उनकी एंट्री हुई आज अचानक। मणिशंकर अय्यर फिर से सुर्खियों में आ गए। असल में मणिशंकर अय्यर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मणिशंकर अय्यर भारत को पाकिस्तान की इज्जत करने की नसीहत दे रहे हैं। जिस पाकिस्तान की दुनिया इज्जत नहीं करती क्योंकि वो कटोरा लेके घूम रहा है, उस पाकिस्तान की इज्जत करने की नसीहत दे रहे हैं मणिशंकर अय्यर। मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कि भारत को पाकिस्तान की इज्जत करनी चाहिए क्योंकि पड़ोसी मुल्क के पास एटम बम है। सुनिए एक बार इनको। वो भी एक सॉवरेन मुल्क है और कि उनकी भी इज्जत है, और उस इज्जत को कायम रखते हुए आप उनसे जितनी कड़ी बात करना चाहते हो करो, लेकिन बात तो करो। बंदूक को लेकर आप घूम रहे हो और उससे क्या हाल मिला? कुछ नहीं, तनाव बढ़ते जाता है। Okay. और कोई भी पागल वहां आ जाए तो क्या होगा देश का? उनके एटम बॉम्ब है। ये भी है। हाँ, हमारे पास है, लेकिन किसी पागल ने हमारे बम को लाहौर स्टेशन में फूटा तो 8 पल के अंदर उसकी जो रेडियो एक्टिविटी है वो अमृतसर पहुंचेगी। ये भी इतना पास तो ऐसे बम वगैरह रखकर आप उसको इस्तेमाल करने का रोको, लेकिन यदि आपने उनसे बात की, उनको इज्जत अफजाया, तो तभी जाकर वो अपने बम के बारे में नहीं सोचेंगे। लेकिन आपको उनको ठुकरा दिया और बच्चे जैसे कुट्टी कहते रहे तो कोई पागल वहां आ जाए, वो बम निकाल ले और फिर क्या होगा? यही डर जो पिछली सरकारों में था कि कहीं बम ना फोड़ दे पाकिस्तान, यही इज्जत दे देकर पाकिस्तान को सिर पर बैठाया गया था, जो नरेंद्र मोदी ने आकर नीचे उतारा और उसको उसकी औकात दिखाई पाकिस्तान को कि घर में घुस के ठोक देंगे, कायदे में रहो। और उसी का नतीजा है कि आज भारत के किसी भी हिस्से में, कश्मीर के आगे ये लोग आतंकवादी भेज नहीं पाते। जो हर हिस्से में बॉम्ब ब्लास्ट होते थे कांग्रेस के समय में, वो आज नहीं होते क्योंकि पाकिस्तान को इज्जत देनी बंद की। वो आतंकी भेज रहा, उसको इज्जत दे। क्या लोग हैं बहुत से लोग। मणिशंकर अय्यर के इस बयान के बहाने अमित शाह ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन को निशाने पर लिया। अमित शाह ने कहा कि पाकिस्तान से पीओके लाने की जगह कांग्रेस और इंडी गठबंधन देश की जनता को एटम बम का डर दिखा रहे हैं। अमित शाह ने एक बार फिर साफ कर दिया कि पीओके का एक एक इंच भारत का है, यह भारत का रहेगा और दुनिया की कोई ताकत इसे छीन नहीं सकती। अमित शाह को सुनिए, फिर आपको मणिशंकर अय्यर के कुछ और विवादित बयानों के बारे में बताऊं। आज मणिशंकर अय्यर हमें धमकी दे रहे हैं, देश को धमकी दे रहे हैं। पाकिस्तान को सम्मान दीजिए, उनके पास एटॉमिक बॉम्ब है। मैं कांग्रेस पार्टी और इंडी अलायंस वालों को कहना चाहता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, इसको कोई नहीं छीन सकता, भारत से कोई नहीं छीन सकता। भाइयों बहनों, ये पाकिस्तान के पास से पाक ऑक्यूपाई कश्मीर लाने की जगह कांग्रेस पार्टी एटम बॉम्ब की बात कर भारत की जनता को डरा रही। मुझे मालूम नहीं है एक कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया है। हमारी संसद ने सर्वानुमत से प्रस्ताव पारित किया है, संसद का स्टैंड है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है। खैर, मणिशंकर अय्यर के पुराने बयान सुन के क्या कीजिए, सबको पता है क्या बोलते हैं। ओवैसी साहब का नया बयान आया भाई, वो भी कम विवादित नहीं है, जरा उसको सुनिए। पाठशाला में अब अगली क्लास 15 सेकंड पर ऐसा भड़के हैं असदुद्दीन ओवैसी कि चुनाव में सीधा तोप ले आए। ऐसा क्या हुआ कि हैदराबाद में ओवैसी को हार दिखने के सबूत आ गए, अब जरा इसका चैप्टर। कल तक बीजेपी नेता नवनीत राणा ने 15 सेकंड वाले बयान के बाद मीठी मीठी बातें करने वाले ओवैसी अब अपने असली रंग में आ गए। कल तक तो ओवैसी विक्टिम कार्ड खेल रहे थे और सरेंडर मोड में चले गए थे कि भाई ठीक है, जो करना है कर दो, आओ हम क्या कर सकते हैं वगैरह वगैरह। मीडिया के सामने इंसानियत की बातें कर रहे थे, लेकिन इसके बाद जैसे ही ओवैसी चुनावी मंच पर पहुंचे, अपने वोटर को संबोधित करने लगे, वैसे ही ओवैसी के सुर और तेवर बदल गए।
सुबह तक इंसानियत की बातें करने वाले ओवैसी शाम होते होते उकसाने वाली भाषा में बातें करने लगे। चुनाव में तोप ले आए भाई, और ये तोप कौन है अभी दिखाऊंगा। ओवैसी चुनावी सभा में अपने छोटे भाई अकबरुद्दीन को तोप बताने लगे। उन्होंने ये तक कह दिया कि छोटे को रोक कर रखा है, वरना वो किसी के बाप को नहीं की बाप की नहीं सुनता। मतलब धमका रहे हैं कि ये अकबरुद्दीन ओवैसी को मैंने कंट्रोल किया, वरना वो किसी के बाप की नहीं सुनता। और जब इनका मामला वो 15 मिनट पुलिस हटालो वाला कोर्ट में था, तो कहते थे कि नहीं नहीं वो तो कोर्ट में है, मैं क्या बोलूंगा। अब उनके इस नए बयान के बाद लोग पूछ रहे हैं कि ओवैसी ने छोटे को किस बात से रोक कर रखा है, और वो क्या करना चाहता है जिसके लिए ओवैसी ने रोक कर रखा है, जरा बताएं दुनिया को। एक बार ओवैसी को सुनिए कैसे भड़काऊ बातें कर रहे हैं, फिर आपको बताऊंगा कि मीडिया के सामने मीठा मीठा बोलने वाले ओवैसी मंच पर जाकर उकसाऊ बातें कैसे करने लगते हैं। वो एमपी साहिबा जो महाराष्ट्र से आके छोटे छोटे, अरे छोटे को रोक के रखा हो, छोटे को बहुत रोक के रखा हो। अगर जिस दिन मैं छोटे को बोला कि मियां मजा आराम कर तो तुम संभाल लो, फिर तुम संभालो। छोटे छोटे तुमको मालूम ही क्या है छोटा क्या है, नहीं मालूम तुमको, तोप है वो, बोर बच्चा है, सालार का बेटा है। बहुत मुश्किल से समझा के बिठाना पड़ता उनको, बहुत मुश्किल से। और उनको समझाने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी है, किसके बाप को नहीं सुनने वाला है छोटा। बोल दूं कल से शुरू करो बैटिंग, अभी खाली उन्होंने टाइमिंग कर रहे, सिंगल ले रहे, 1 2 3 कर रहे। अगर शुरू हो गए T20 का तो फिर तुम्हारा भी T20 फिर कैसा होगा देखो। अरे आप बताइए, आप 15 सेकंड का दें को 15 सेकंड, मुर्गी का बच्चा हूं मैं, 15 सेकंड का दें, बोलो ना कहां पे आना आता हूं मैं। ओवैसी एकदम भड़के हुए 15 सेकंड वाली बात पर, जबकि माधवी लता ने पहले ही क्लियर कर दिया कि 15 सेकंड का मतलब था कि 15 सेकंड में वोट देंगे और आपके मंसूबों को खत्म करेंगे। लेकिन ओवैसी साहब को बताना चाहिए भाई कि छोटे को रोक कर रखा है, अभी तो वो सिंगल डबल खेल रहा है, तो मतलब 15 मिनट पुलिस हटा लो तो बता देंगे 100 करोड़ हिंदू 25 करोड़ मुसलमान वाली बातें करने वाले, ये सिंगल डबल है, रोक के रखने पर ऐसी भाषा है तो छोड़ेंगे तो क्या करेंगे, जरा खुद ही बता दें। ओवैसी के भाषण को सुनकर उनके समर्थक भी खूब ताली बजा रहे थे, जाहिर सी बात है लोगों को उनकी ये बातें बहुत अच्छी लग रही होंगी। लेकिन इस उकसाने वाले भाषण में ओवैसी ने ऐसी ऐसी बातों की तरफ इशारा कर दिया जो बड़ी गंभीर है। सवाल यह कि जो ओवैसी सुबह तक मुसलमानों को विक्टिम बता रहे थे, उन्हें डरा रहे थे, वो ओवैसी चुनावी सभा में अपने समर्थकों के बीच उकसाऊ बातें क्यों करने लग गए। आगे बढ़ने से पहले आपको ओवैसी के दोनों रूप दिखाता हूं जिसमें उनके तेवर में जमीन आसमान का अंतर नजर आएगा, एक बयान मीडिया के सामने और एक बयान वोटर के सामने। पहचानिए ये दोनों ओवैसी सेम लग रहे हैं क्या आपको? ले लीजिए 15 सेकंड नेवल के 1 घंटा ले लीजिए ना, हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप में कितनी इंसानियत अभी बाकी है या नहीं है, करिए। कौन डर रहा है, कौन डर रहा है, मैं हम तो तैयार हैं। अरे छोटे को रोक के रखा हूं, छोटे को बहुत रोक के रखा हूं। अगर जिस दिन मैं छोटे को बोला कि मियां मजा आराम कर तो तुम संभाल लो, फिर तुम संभालो। छोटे छोटे तुमको मालूम ही क्या है छोटा क्या है, नहीं मालूम तुमको, तोप है वो, बोर बच्चा है, सालार का बेटा है। बहुत मुश्किल से समझा के बिठाना पड़ता उनको। फर्क देखा आपने, मीडिया के सामने क्या रूप, वोटर के सामने क्या रूप। ओवैसी के मुताबिक उन्होंने अपने छोटे भाई अकबरुद्दीन को बड़ी मुश्किल से रोक कर रखा, वरना ना जाने वो क्या कर देता। अब इस बात का क्या मतलब हो सकता है? वैसे ऐसा पहली बार नहीं है जब ओवैसी ने मंच से लोगों को उकसाने वाली बात कही है, इससे पहले भी वो कई बार भड़काऊ बातें कह चुके हैं, इसके पीछे की वजह समझिए। दरअसल इस तरह के भाषण से चुनाव में तुष्टीकरण का सीधा फायदा मिलता है, लोगों के विकास और बुनियादी मुद्दों से ध्यान हटाने का मौका मिल जाता है। पुराने हैदराबाद में लोगों की शिकायतें हैं कि इस इलाके में पानी का संकट है, सैनिटेशन जैसे बहुत से काम अधूरे पड़े हैं। इसके अलावा तेलंगाना में ओवैसी के पास मात्र 5 विधायक हैं, वो भी विपक्ष में, ऐसे में लोगों से जुड़े मुद्दों को भड़काऊ बातों से दबाने में मदद मिल जाती है। भाई उनका सेंटिमेंट जगा दो,
छोटे को दबा के रखा है, ये कर रखा है, वो किसी के बाप की नहीं सुनता, हो गया वो खुश है, ताली मार रहा है। इसलिए ओवैसी के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि वो असल मुद्दों से अपने वोटर्स का ध्यान हटाने के लिए, उनकी भावनाओं को भड़काने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। हैदराबाद में इस बात की चर्चा है कि पिछले एक महीने से बीजेपी की प्रत्याशी माधवी लता जिस तरह से प्रचार कर रही हैं, उससे ओवैसी ब्रदर्स बहुत प्रेशर में है, तनाव में है ये दोनों भाई। इसके अलावा हैदराबाद में बड़ी संख्या में फर्जी वोटर्स कम हो गए, जिसका सीधा असर हैदराबाद के चुनाव पर पड़ने वाला है। लोगों का कहना है कि यही वजह है कि ओवैसी को बहुत फिक्र हो रही है कि उनकी सीट का क्या होगा, इसलिए ओवैसी अब ऐसे बयान देने लगे हैं। लेकिन ओवैसी के ऐसे बयान पर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता टी राजा ने भी तगड़ा जवाब दिया। टी राजा को सुनिए, इसके बाद बताऊंगा वो सालार और वो तोप क्या है जिसकी बात ओवैसी कर रहा है। असदुद्दीन ओवैसी का तो कहना है कि छोटा भाई जो है वो तोप है, सालार का बेटा है, और अब तक जो सिर्फ केवल सिंगल खेले जा रहे थे, T20 तो अब तक बाकी है। अरे भाई, कौन सा मैच खेलना चाहते हो, किस ग्राउंड में खेलना चाहते हो बताओ, हम आएंगे। बताओ कितनी फोर्स लेकर आना है, या अकेले आना है या साथ में किसी को लेकर आना है, बताओ। T20 क्या है यार, तुम दोनों भाइयों मिलकर तो मुसलमानों का सर्वनाश कर रहे हो, दोनों तो डुप्लीकेट मुसलमान हो। आज बताओ किस मुसलमान का तुमने कल्याण किया है, किस मुसलमान को तुमने विकास किया है, किसका विकास किया है। लेकिन ये दोनों भाई चुनाव आते ही बिल से बाहर निकलते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, पैसा कमाते हैं, फिर अपने अपने बिल में चुप जाते हैं। ओवैसी के भड़काऊ भाषण के बाद आज तोप और सालार शब्द बहुत ट्रेंड कर रहा है। ओवैसी ने अपने इस भाषण में छोटे भाई की तारीफ करते हुए कहा कि उनका छोटा भाई अकबरुद्दीन तोप है, सालार का बच्चा है। अब ये भी बताता हूं कि ओवैसी सालार का नाम क्यों ले रहे हैं। सालार का मतलब कमांडर या चीफ होता है। दरअसल ओवैसी के पिता और हैदराबाद के पूर्व सांसद सलाउद्दीन ओवैसी को लोग सालारे मिल्लत बुलाते थे। सालारे मिल्लत का मतलब मुस्लिम गुट का कमांडर होता है। सालार शब्द का कनेक्शन हैदराबाद के PM से भी रहा है। 1853 से 1883 के बीच मीर तुराब अली खान हैदराबाद के प्रधानमंत्री थे। 1857 की क्रांति में मीर तुराब ने अंग्रेजों का साथ दिया। मीर तुराब अली खान को बाद में सालार जंग की उपाधि मिली। हालांकि इतिहास के पन्नों में सालार शब्द की पहचान विदेशी आक्रांता के तौर पर रही। 11वीं सदी में महमूद गजनवी की सेना के सेनापति का नाम सालार मसूद गाजी था। लेकिन आज के दौर में ओवैसी अपने छोटे भाई के लिए सालार शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। तीखे भाषणों से लोगों की ताली बटोरना और असल मुद्दों से ध्यान हटाना ओवैसी ब्रदर्स का पुराना अंदाज है। 2012 में छोटे भाई ने 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की बात कही। 21 में भाई ने यूपी पुलिस को सबक सिखाने वाला बयान दिया, आपको याद होगा। 2021 के यूपी चुनाव के दौरान ओवैसी मुस्लिम वोटर्स को इंप्रेस करने के लिए एक भड़काऊ भाषण दिए थे। इस भाषण में ओवैसी ने यूपी पुलिस को धमकाते हुए कहा था कि जब PM मोदी और CM योगी अपने पद से हट जाएंगे तो पुलिस वालों को कौन बचाएगा। इस बयान पर भी ओवैसी के समर्थकों ने बहुत ताली बजाई थी। एक बार याद दिलाता हूं वो बयान, सुनिए। मैं तो उन पुलिस के लोगों से कहना चाह रहा हूं, याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर है, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं है। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे जब कौन बचाने आएगा तुमको। कितने कमाल की बात है, कोई कब्र में गाड़ने की बात कर दे, कोई मर जा मोदी के नारे लगा दे, कोई कौन बचाएगा बचाने आएगा ये पूछ ले, या कोई कह दे कि छोटे को अगर छोड़ दिया तो क्या होगा ये सोच लो, तमाम तरह की बातें हो। लेकिन सारी गालियां पड़ती नरेंद्र मोदी को हैं कि वही तानाशाह हैं, बाकी सब ठीक है। खैर, पब्लिक सब देखती है, सब जानती है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है, वो बड़ी खबर इस छोटे से ब्रेक के बाद। और इस वक्त अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता देता हूं। अरविंद केजरीवाल कल से ही चुनाव प्रचार शुरू कर देंगे, ये इस वक्त की खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि दक्षिणी दिल्ली में कल वो रोड शो करेंगे,
शाम 4 बजे ये रोड शो शुरू होगा और केजरीवाल का ये रोड शो दक्षिणी दिल्ली से जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं सहीराम पहलवान उनके लिए होगा। तो आज ही अरविंद केजरीवाल को अदालत से अंतरिम जमानत मिली है चुनाव प्रचार करने के लिए और अरविंद केजरीवाल भी वक्त नहीं गंवा रहे। कल वो पहले हनुमान मंदिर जाएंगे सुबह 11 बजे, फिर 1 बजे वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और उसके बाद चुनावी प्रचार की शुरुआत करेंगे शाम 4 बजे से, जब दक्षिणी दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं सहीराम पहलवान उनके लिए रोड शो करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक।